गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का मोल कॉन्सेप्ट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, एंड आई नो कि बहुत सारे बच्चों को बहुत डर लगता है मोल कॉन्सेप्ट के नाम से, लेकिन आज के बाद आपका वो डर खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में मैं कोशिश करूंगी कि आपको मोल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर पाऊं। तो देखिए, मोल कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। मोल क्या है? मोल सिर्फ एक यूनिट होती है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उनको मेजर करने के लिए जस्ट एक यूनिट होती है। तो पहले हम डेफिनेशन से समझ लेते हैं मोल। अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज, और ये एंटिटीज क्या हो सकते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 कार्बन 12 आइसोटोप। आपको पता है कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं ना, तो उसमें हम C12 आइसोटोप को एक हमने आइडियल यूनिट बना रखा है, आइडियल मेजरमेंट यूनिट बनाया हुआ है। तो पहले मैं डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डेफिनेशन क्या कह रही है कि मोल क्या है। मोल सिर्फ किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट है जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयन या पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जितने C12 कार्बन के आइसोटोप में प्रेजेंट होते हैं। इसको हम किस तरह से समझेंगे? जैसे आप अगर मार्केट जाते हो, आप सब्जी वाले से कहते हो कि भैया एक किलो जो है हमको भिंडी दे दो, ठीक है। अब वो क्या करेगा? उसके पास एक सर्टेन वेट होता है ना 1 kg का, या आपने कहा कि हमें आधा किलो दे दो, तो उसके पास आधा किलो का एक वेट होगा। तो इसका मतलब वो कंफर्म हो रहा है कि उतनी ही चीज आपको मिल रही है। अब वो क्यों बनाया गया? क्योंकि पहले अगर आपने कभी ध्यान दिया हो कि कई जो ये वेंडर्स होते हैं वो ईंट का या पत्थर का टुकड़ा रख लेते हैं और उसको इक्विवेलेंट मानते हैं कि वो आधा किलो के बराबर है या वो 250 ग्राम के बराबर है। तो वो एक प्रिसाइज्ड है, वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो कंफर्म आइडियल वेट हो। तो इसके लिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी वहां पर बहुत ज्यादा थी, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वेट जो है वो डेवलप करा गया और ऑल ओवर द वर्ल्ड वो माना जाता है कि अगर 1 kg जो यहाँ पर है वही 1 kg के इक्विवेलेंट वेट आपको बाहर कंट्रीज में भी मिलेगा। तो उसको एक आइडियल वेट माना गया, बनाया गया ऐसा वेट, और उसी के हिसाब से फिर वो सब कंट्रीज में गया कि हमारे यहाँ 1 kg चलता है, ठीक है। तो 1 kg हो गया या 1/2 kg हो गया, 2 kg हो गया, उन सबके सर्टेन वेट मिलते हैं, उसी से चीज नाप के दी जाती है। तो वो हमें पता है कि वो ठीक है, 100% नहीं भी ठीक है, बट हाँ नियर अबाउट वो वैल्यू रहती है, उसकी क्वांटिटी रहती है। अब इसी में केमिस्ट्री में बात आई कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स किसी के हमें पता करने हैं, किसी भी सब्सटेंस में कितने मॉलिक्यूल्स हैं या कितने पार्टिकल्स हैं, वो हम कैसे निकाले? उसके लिए भी तो मेजर करने के लिए कोई हमको वेट चाहिए। तो उसके लिए हमने चुना है C12 आइसोटोप को। ये इसलिए चुना क्योंकि C12 जो है वो सबसे अबंडेंट होता है अर्थ पर, हर जगह मिलता है, बहुत इजीली मिलता है। तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे या इसके जितने भी एटम, मॉलिक्यूल, पार्टिकल्स जितने होंगे उसको हमने एक वेट काउंट कर लिया है, और एक मोल क्या है? वो इसी के वेट के बराबर, जितना पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इसी के बराबर हम काउंट करेंगे। तो अब आपको क्लियर हो गई डेफिनेशन से। तो मोल क्या है? मोल जस्ट एक यूनिट है। जैसे आप अगर मार्केट जाओगे, आप क्या कहते हो कि मुझे 3 kg पोटैटो दे दो, ठीक है, या आप कहते हो 2 लीटर मिल्क दे दो, ऐसे ही बोलते हैं। अब अगर हम कहें मार्केट जाके कि हमें 1 mole राइस दे दो, तो शॉपकीपर तो एकदम चौंक जाएगा, वो कहेगा 1 mole राइस, ये क्या होता है? तो ये क्या है? ये डेली लाइफ जो है उसकी यूनिट्स होती हैं, लेकिन ये वाली जो यूनिट है
वो कौन समझता है, वो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे समझते हैं। तो हम जो भी मेजरिंग यूनिट केमिस्ट्री में यूज करेंगे वो वन मोल यूज करेंगे। और वन मोल क्या होता है, वन मोल जो है इट इज इक्वल टू, या आप कहते हो वन डजन, तो वो समझते हैं ना कि वन डजन का मतलब 12 आपको उसकी क्वांटिटी आपको देनी है। तो वन मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻²23। तो वन मोल में 6.022 × 10⁻²23 एटम्स मिलेंगे, इतने ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, इतने ही पार्टिकल्स मिलेंगे। अगर हम किसी सब्सटेंस की बात करेंगे, इसको हम और समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए आपसे ये कहा गया है वन मोल ऑफ एक्स एटम्स, वन मोल ऑफ एक्स एटम्स में आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। वन मोल ऑफ एक्स एटम्स, कोई भी एक्स हमने ले लिया, ठीक है, कोई भी एक्स एटम है उसमें आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं कि कितने एटम्स होंगे। तो इसमें एटम्स होंगे 6.022 × 10⁻²23 एटम्स। एक मोल कोई भी एक्स एटम है उसके अंदर इतने एटम्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं वन मोल ऑफ एक्स टू, एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं एक्स टू मॉलिक्यूल, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी सेम आएगा 6.022 × 10⁻²23 मॉलिक्यूल्स, क्लियर। अब अगर हम कहते हैं वन मोल ऑफ एक्स टू मॉलिक्यूल्स में हाउ मेनी एटम्स, हमें इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं इस मॉलिक्यूल में। जब हम एटम की बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्या बात कर रहे हैं, अगर हम एक मोल एक्स एटम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं 6.022 × 10⁻²23 एटम्स की, क्योंकि एक एटम का वेट इतना कम होता है कि उसको मेजर करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो हम एक मोल में निकालते हैं, एक मोल में इतने एटम होते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे वन मोल ऑफ एक्स टू मॉलिक्यूल, एक्स टू मॉलिक्यूल मतलब जब एटम कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तो वन मोल ऑफ एक्स टू मॉलिक्यूल का मतलब है कि हम इतने मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं वन मोल ऑफ एक्स टू मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू हाउ मेनी एटम्स, तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उसमें एटम्स का नंबर डबल हो जाएगा तभी तो वो मॉलिक्यूल बना। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आ जाएगा जब आपको एटम्स में इसकी वैल्यू निकालनी है 2 × 6.022 × 10⁻²23 एटम्स। तो ये क्लियर हो गया आपको एटम्स के केस में, अभी आपको क्लियर हो गया कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स इनको कैसे मेजर करते हैं। अब हम देखेंगे कि लीटर में किस तरह से देखते हैं, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी तो बात हो गई कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स हो गए और एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स हो गए, या क्या ग्राम मोलर मास हो गया उसका, जितने भी ग्राम आएगा वो उसका ग्राम मोलर मास हो जाएगा। जैसे आप अगर ऑक्सीजन का कहेंगे तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा वन मोल में, दिस इज 16 एटॉमिक मास हो जाएगा इसका, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। और इसका अगर हम लेंगे मॉलिक्यूलर मास तो 32 ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता चल गए कि कितने पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं इट इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻²23 इतने पार्टिकल्स होते हैं और इतना ये मास होगा और ये सब इक्विवेलेंट है। अब हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, मैं इसके फॉर्मूले भी दूंगी आपको कि कैसे आप निकालोगे। अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, अगर हम वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर हमें निकालना है तो दिस विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटीपी. एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो आपको रूम टेम्परेचर पे माना जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर जो है इट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर होता है 1 atm. ये आइडियल वैल्यू इतनी होती है. तो इतने में अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वन मोल ऑफ ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम हम लेंगे एट एसटीपी पर 22.4 लीटर. अब हम इन तीनों को रिलेट कर देते हैं. अगर आप इन तीनों को रिलेट करोगे तो कैसे आएगा वन मोल. ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको बताने जा रही हूं. अभी जो आपने समझा है वो सारा हम एक लाइन में उसको ब्रीफ करेंगे. वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23 पार्टिकल्स. ठीक है, इट इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ये एक मोल कितना था, वन मोल में अगर हम बात करेंगे तो वन मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने ग्राम एटॉमिक मास था या कितना ग्राम मॉलिक्यूलर मास था, वो वन मोल का यहां पर हम इज इक्वल टू आ जाएगा. वन मोल इज इक्वल टू इतने पार्टिकल, या वन मोल को हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास से बात करते हैं तो वो भी इतना आएगा, या इट इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटीपी. तीनों चीजें एक ही तरह से हो गई. मतलब इसका क्या हुआ कि अगर जब भी हम एक मोल की बात करेंगे तो एक मोल में अगर हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो वो इतने होंगे, अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं तो वो इतना होगा, अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं एक मोल की तो वो इतना होगा. ये तो डायरेक्ट हो गया. अब अगर हम इतने पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 6.022 इंटू 10^22 पार्टिकल्स हैं, तो इसमें कितना वॉल्यूम होगा ऑक्सीजन का, इतना वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये सारी यूनिट्स जो है, ये सारी जो क्वांटिटीज है वो एक दूसरे के इक्वल है, तो ये अपने में भी तो एक दूसरे के इक्वल हो गई. इस तरह से फॉर्मूला हम निकालते हैं. अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मोल्स को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं. ठीक है, स्मॉल एन हो गया नंबर ऑफ मोल्स, या मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं नंबर ऑफ मोल्स. अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो इसके तीन फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लीजिए. एन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास, जो भी आएगा, जो भी दे रखा है, मोलर मास और एटॉमिक मास. ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होगा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वॉल्यूम गिवन, कितना वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ वॉल्यूम कितना दे रखा है डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर एट एनटीपी या एसटीपी. ठीक है, अब यहां पर आपको तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10^23. तो अब आपको जब भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आपके पास ये तीन फॉर्मूलाज हैं जिनकी हेल्प से आप जो है इन क्वांटिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अब देखिए, अब इसी को आप मोल को जो अभी हमने समझा था उसको मैं यहाँ पर समराइज करके एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर देती फिर से. तो वन मोल अगर हम इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल बात करते हैं तो वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23 पार्टिकल्स. अगर हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बात करते हैं तो वन मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ अ गैस एट एसटीपी. गैस के लिए लिया जाता है वॉल्यूम जो लेते हैं. अगर हम इन टर्म्स ऑफ मास की बात करते हैं तो मास जो है ग्राम एटॉमिक मास भी होता है, मॉलिक्यूलर मास भी होता है और फॉर्मूला मास भी होता है. तो यहाँ पर तीन कैटेगरी में हम मास की टर्म में देखेंगे.
अगर 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट है, 1 ग्राम एटम है, 1 ग्राम किसी भी एलिमेंट का 1 ग्राम एटम है। मैंने आपको बताया था एक सिंगल एटम का तो मास बहुत कम होगा, वो तो हम देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है, तो बहुत कम होगा, उसको मेजर करा नहीं जा सकता। तो 1 ग्राम एटम का लेंगे हम, तो किसी भी एलिमेंट का जो 1 ग्राम एटम होगा वो इक्वल होगा 1 मोल के। जैसे यहां पर हम कार्बन की बात कर ले तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 ग्राम, तो 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। सोडियम का 23 होता है, तो 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम, ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास। अब अगर हम मॉलिक्यूल्स की टर्म में बात कर लें तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल जो है वो 1 मोल के इक्वलेंट होगा। जैसे हम वाटर मॉलिक्यूल यहां पर ले लें अगर, तो वाटर मॉलिक्यूल 1 मोल इज इक्वल टू 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। 18 ग्राम कैसे आया, 2 हाइड्रोजन एंड 16 ऑक्सीजन, तो ये 18 ग्राम हो गया। तो 1 मोल में अगर हम वाटर का 1 मोल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उसके 18 ग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम देखें 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है कि उसमें 44 ग्राम जो है 1 मोल उसका हम कितना होगा, 1 मोल इज इक्वल टू 44 ग्राम, जो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा वो होगा 44 ग्राम। अगर हम फॉर्मूला मास की टर्म में बात कर लेते हैं, जब ये मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं एटम या मॉलिक्यूल्स तो फॉर्मूला फॉर्म करते हैं। अगर हम NaCl की बात कर लेते हैं तो NaCl क्या है, एक फॉर्मूला है, इसमें सोडियम, सोडियम का 23 एंड Cl का 35.5। तो 1 मोल अगर हम NaCl की बात करेंगे तो उसमें हमें कितना ग्राम मिलेगा, ये मिलेगा हमें 58.5 ग्राम, ठीक है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं कि 1 मोल में कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास होगा, तो कैल्शियम का होता है 40, कार्बन हो गया 12 एंड O3 आ जाएगा 48, तो टोटल मिलाकर क्या आ जाएगा 100 ग्राम। तो 1 मोल में 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की हम बात कर रहे होते हैं। तो ये आपको फ्लो चार्ट से अब क्लियर हो गया, आई थिंक यहां तक आपको अब मोल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं छोटे छोटे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराती हूँ जिससे आपको ये पता चल जाए कि जो आपने मोल कॉन्सेप्ट अभी सीखा है उसको आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो। तो मैं अभी क्वेश्चंस आपको इसकी करवा देती हूँ प्रैक्टिस। तो आप देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास 1 एटम ऑफ C14, ये दूसरा आइसोटोप है कार्बन का, एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ये सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। तो हम पहले निकालेंगे 1 एटम ऑफ C14, देखते ही आप क्या कहोगे कि हमें कैलकुलेट द मास निकालना है, तो मास कितना हो गया 14 ग्राम, है ना, देखते ही तो आप ये कहोगे। लेकिन यहाँ पर बच्चों आपको ये ध्यान देना है, जो 14 ग्राम है, 14 ग्राम है 1 मोल, मतलब नंबर ऑफ एटम्स, इतने एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ इतने एटम्स का मास है ये 1 मोल, मतलब 1 ग्राम का नहीं है ये, 14 ग्राम का 1 मोल है अगर हम C14 की बात करते हैं, और इसमें हमें इतने एटम्स की बात कर रहे हैं, ये इतने एटम्स का है, ये यहाँ पर 14 ग्राम एटम्स हैं 1 मोल में, और हमसे पूछ रहा है एक एटम, 14 में एटम्स का नहीं पूछ रहा है, 1 एटम का पूछ रहा है। तो आपको ये पता है कि एक एटम क्या हो गया, कोई पार्टिकल हो गया, और पार्टिकल 1 मोल पार्टिकल कितने बराबर होता है 6.022 × 10⁻³³ पार्टिकल्स के। तो ये वैल्यू आपको पता है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻²³ एटम्स। पार्टिकल्स क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, पार्टिकल्स नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई भी दिया होगा, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और इट इज इक्वल टू, हमने क्या करा था, जो मैंने इससे पहले एक एक्सप्रेशन लिखा था सब इक्वल करके, उसमें क्या था, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, ये सब आपस में इक्वल है एक दूसरे के। तो 1 मोल जो है उसमें इतने एटम्स होते हैं, ये हमको दे रखा है।
अब हमसे एक एटम का मास पूछा गया है, तो हम कैसे करेंगे इसको, 6.022 × 10⁻²⁷ एटम्स प्रेजेंट है 14 ग्राम में, 14 ग्राम में, मतलब इनका मास जो है वो 14 ग्राम है, क्योंकि ये C14 है ना, तो C14 का मास कितना हो गया, ये इतना हो गया, एक मोल का मास दे रखा है 14 ग्राम, और एक मोल कितने के बराबर है, इतने पार्टिकल्स के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतने पार्टिकल्स इक्वल हो गए 14 ग्राम के। ठीक है, आपको एक एटम का पूछा है, तो एक एटम का कितना होगा, बहुत इजीली आप निकाल लोगे, 14 × 1 / 6.022 × 10⁻²³। तो यहां पर जो वैल्यू निकल करके आएगी वो एक एटम का मास हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी मोल कॉन्सेप्ट में हमको ये चीज फेस करनी होती है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी होती है, तो इसको आप खुद कर लीजिएगा कैलकुलेशन को। ठीक है, अब अगर हम बात करें 100, सेम हो जाएगा 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज के 100 मॉलिक्यूल्स, आपको सुक्रोज का मास निकालना होगा, सुक्रोज का मास आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये होता है, मैं यहाँ पर सेकंड लिख देती हूँ, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, तो 342 ग्राम में कितने पार्टिकल्स हो गए हैं, 6.022 × 10⁻²³, क्योंकि ये जो है देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखा, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, जितना भी इसका मोलर मास होगा, और ये किसके इक्वल है, पार्टिकल्स के, तो हम मॉलिक्यूल्स में भी, तो पार्टिकल्स में हम किसको काउंट करेंगे, एटम मॉलिक्यूल्स को भी करेंगे, एटम्स को हम निकालिए, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स देखो, तो इतने ग्राम जो है उसमें इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब आपसे 100 मॉलिक्यूल्स का पूछ रहा है, एक का नहीं पूछ रहा है, 100 का पूछ रहा है, तो आप कैसे करोगे इसको, आप इसी तरह से लिखोगे कि 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 342 ग्राम में। ठीक है, इतने ग्राम में है, तो 100 मॉलिक्यूल्स कितने में होंगे, 342 × 100 / 6.022 × 10⁻²³। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए और इतना इसका 100 मॉलिक्यूल्स का मास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया और आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, एक बार फिर से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ये पूरा रिवाइज करिए, ये आप जो फ्लो चार्ट है ये दिमाग में रखिए, और एक जो मैंने इक्वल करके बताया था वो वाला एक्सप्रेशन आप ध्यान में रखिए, तो आपके कोई भी न्यूमेरिकल नहीं रुकेंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP। अब हम यहाँ पर गैस के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो इसका एक्सप्रेशन आपको पता है क्या होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, इतना होता है, तो इतना इसको हम और कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 22. अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से लिखें तो इतना लीटर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब हमको कितने में निकालना है, इसमें हमें देखना है कि इसमें कितने मोल होंगे 11.2 में, तो 11.2 लीटर में कितने मोल हो जाएंगे, 11.2 / 22.4 इट इज इक्वल टू 0.5 मोल। ठीक है, तो अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गए हैं, अब हम इससे निकाल लेंगे कि इतने एसटीपी पर इतने लीटर में कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, तो पहले हम एटम्स निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता है कि 1 मोल में 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻²³ एटम्स, या हम अभी पढ़ करके आए, तो 0.5 मोल में कितने होंगे, 6.022 × 10⁻²³ × 0.5 / 1 करोगे या नहीं करोगे, ये आ गई आपकी 1 मोल में
कितने एटम्स होंगे, मतलब इतने मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स निकलेंगे, वो आपको यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ये आ जाएगा 3.011 × 10³³ एटम्स। ये आ गए आपके 0.05 मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स आपको मिल गए हैं। अब अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, वन मॉलिक्यूल ये अभी हमने देखा था इज इक्वल टू टू एटम्स, दो एटम्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अब हम यहां पर इसको अप्लाई करेंगे, वन मोल इज इक्वल टू मतलब इतने एटम्स हैं, तो अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो 2 × 6.022 × 10³³ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इसके, इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। आपको कितने में निकालना है, 0.5 मोल में, तो 0.5 मोल में जब आप करोगे तो ये आएगा 2 × 6.022 × 10³³ × 0.5 मोल, 5, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख लीजिएगा, तो ये इतना ही आ जाएगा इज इक्वल टू 6.022 × 10³³, क्योंकि देखो एक एटम का कितना हो गया, एक एटम का जो आपने कैलकुलेट करा था वो आया था 3.011 × 10³³, ठीक है, जब आपने इसको कैलकुलेट करा था, इसको कैलकुलेट करके आपके पास आया था 3.011 × 10³³। जब आप उसका डबल कर दोगे तो आपके पास ये इतना ही वैल्यू आ जाएगी, 6.022 × 10³³ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब इससे ये भी प्रूफ हो गया कि एक मोल में जो है आपके कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 6.022 × 10³³, और कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे वो भी इसके बराबर ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत जनरल बेसिक मैंने आपको जो समझाया था कि कैसे मोल को आप कैलकुलेट करते हो, कैसे इक्वलेंट होता है मोल, उस पे बेसिस बेस्ड जो है मैंने आपको बहुत ही सिंपल से उनका एप्लीकेशन भी समझा दिया है। और अब मुझे उम्मीद है कि आपको अब मोल कॉन्सेप्ट से बिल्कुल डर नहीं लगेगा, इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको वीडियो समझ में आया है, अच्छा मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपके जो फ्रेंड मोल कॉन्सेप्ट के नाम से डरते हैं उनके संग शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।